हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो में मैं बात करूंगा कि घर पे डॉग फूड कैसे बनाएं, होममेड डॉग फूड कैसे बनाएं, और जो इनकी कोट के लिए अच्छा हो, इनकी स्किन ये कोट के लिए अच्छा हो और इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, वो मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ये फॉक्सी है, ये एक स्ट्रीट डॉग है, इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि फॉक्सी, ये जब छोटा सा था ना, तो मैं इसके लिए अभी पेडिग्री लेके आया था, तो इसने पेडिग्री खाई नहीं, ना खुश होके खाई, मतलब मैंने धक्के से खिलाने लग रहा था तो भी नहीं खाई इसने। तो फिर मैंने सोचा क्या रीजन है इसके पीछे, तो मैंने देखा, याद कर रहा था जब इसको एक्सीडेंट हुआ था इसके साथ, तो ये अपनी मदर का मिल्क ही फीड कर रहा था। तो इसको मिल्क बहुत अच्छा पसंद है, हर डॉग को पसंद होता है, पर इस फॉक्सी रुक जाओ, तो सबको पता होता है कि डॉग के लिए मतलब मिल्क अच्छा नहीं होता, और इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे। तो फिर मैंने मेरी मदर से पूछा कि क्या करें, ये कुछ खा भी नहीं रहा था इतना, तो इसको चपाती वगैरह दी, वो भी नहीं खा रहा था इतनी अच्छी तरीके से। तो और इसको जरूरत थी कि इसकी जो बोन है उसकी रिकवरी जल्दी हो, तो इसलिए फिर हमने, मेरी मदर ने कहा कि जैसे हम पहले हमारे डॉग्स थे उनको पनीर देते थे, चीज पनीर देते थे, और पनीर के अंदर चावल या फिर ब्रेड डाल के देते थे, ताकि उनका जो मतलब वो एक्टिव भी रहे, उनमें प्रोटीन भी प्रॉपर अमाउंट में हो, कैल्शियम भी प्रॉपर अमाउंट में हो, ताकि ये मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार डॉग्स जो होते हैं वो फर्नीचर वगैरह होते हैं उसको काटते रहते हैं, तो वो भी सही नहीं होता। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसके बाद उसके ऊपर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में। एक और बात, जैसे 2 months का पपी है तो, और इसके मतलब इंजरी भी हुई हुई है, तो हमने ये ध्यान देना है कि ओवरवेट ना हो जाए, और अगर ये ओवरवेट हो गया तो ये कोशिश भी नहीं करेगा खड़े होने की। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इसको खाना दूं, जैसे मैं 3 बार खाना देता हूँ इसे दिन में, जैसे कि सुबह, दोपहर को और रात को। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये पनीर तैयार कर रखा है इसके लिए, और जो इसमें जो पानी है ना, ये इसका अपने पानी की कमी दूर कर देगा, और पनीर। और ये फॉक्सी को पता चल गया कि मैं खाना बना रहा हूँ इसका, रुक जा फॉक्सी अभी देता हूँ आपको ही देखो मैं। और ये राइस है, थोड़ी अमाउंट में ही डालना है, और राइस जरूरी है इसके लिए। जैसे जैसे घर में जब ब्राउन राइस बनते हैं तो ब्राउन राइस दे देते हैं, अभी जैसे आज व्हाइट राइस बने हुए हैं तो व्हाइट राइस दे देते हैं, नहीं जब नहीं बनते जब ब्रेड दे देते हैं, ब्रेड के बीच का पार्ट। तो ये इसके लिए परफेक्ट है। इससे क्या फायदा होगा, एक तो इसका मैंने अभी पहले बताया, जो इसका शाइनीनेस हो जाएगी, इसके अंदर शाइनी कोट हो जाएगा, इसका हेल्दी कोट आप खुद देख सकते हो। जब ये शुरू में आया था, इसकी वीडियो बनाई थी, तब कैसा था ये और अब कैसा है। फॉक्सी अभी देता हूँ मैं बेटा, चलो इसको ज्यादा तंग नहीं करते, अब मैं इसको देता हूँ। देखो ये इसकी टांगें अब थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं, तो मैं जब भी इसको खाना देता हूँ तो इसको मैं ऐसे सपोर्ट करके और इसे खड़ा कर लेता हूँ, और अब मैं इसको खाना देता हूँ। फॉक्सी बेटा ये लो, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये लो। हाँ जी बेटा, बस ऐसे इसको सपोर्ट देके खड़े रख, तो इसको आदत भी हो जाएगी, और फिर ये धीरे धीरे, देखो ये इसकी रिएक्शन देखना अभी। फॉक्सी ये देखो, टांगे हिला रहे हैं ना, देखो ये देखो, चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करता इसे, देखो कितना खुश हो गया खाना खाने लग जाए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें अगर, और अगर यहां तक आ गए हो तो जरूर लाइक कर दो देखते हुए। थैंक यू वेरी मच।